वो सबक हम भूले नहीं है, वो सबक हम भूले नहीं है। वो अजीम खातून के सुल्तान तकदीस हरम तय करे ईसा, सुल्तान तकदीस हरम तय करे ईसा, इस्लाम की सत्रों में दबकता हुआ किरदार, हर दौर की असमत के लिए, हर दौर की असमत के लिए नुक्ता मेयार, तुझसे रुखे दीन की सबाहत मेरी उम्मीद, तुझसे रुखे दीन की सबाहत मेरी उम्मीद, तू मुसहफ नातिक की वजाहत मेरी उम्मीद, तू मुसहफ नातिक की वजाहत मेरी उम्मीद, तफसीर हयात तेरी फसाहत मेरी उम्मीद, तफसीर हयात तेरी फसाहत मेरी उम्मीद, और इस वास्ते मुस्तकबिल की तस्वीर बनी है, इस वास्ते मुस्तकबिल की तस्वीर बनी है। तवज्जो कीजिएगा इस शेर पर, गौर कीजिएगा कि इस वास्ते मुस्तकबिल की तस्वीर बनी है कि बदर के सर पर तेरी चादर जो तनी है, सुभान अल्लाह, इस वास्ते मुस्तकबिल की तस्वीर बनी है कि बदर के सर पर तेरी चादर जो तनी है। अम्मी आयशा सिद्दीका जिसका नाम लेते लेते हक नवाज ने जान जाने आखिरी के सपुर्द कर दी, वो कहते हैं ना कि यूं ही खफा हो हमने तो मैखाने का पता, यूं ही खफा हो हमने तो मैखाने का पता, हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे, सुभान अल्लाह, तुम यूं ही खफा हो गए, हमने तो देखा कि आवाज लगी मिशने अकनास पर, हमने तो मंजिल ही पूछी है ना, खफा क्यों हो गए, हमने तो मैखाने का पता हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे, हर एक ने कहा कि हम मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, हम तो रास्ता ही पूछते रह गए ना, रास्ता ही पूछते रह गए, क्यों हम जंग के हुकूक की जंग न लड़े, किस लिए न लड़े, किस वजह से न लड़े। एक शख्स मेरे पास आया, उसका नाम अजमल है, यही करीब की बस्ती का एक फर्द है, उसने आकर मुझसे कहा उसके पास दो चीजें, दोनों को उसने सीने से लगाया हुआ है, एक तरफ उसका 3 साल लगते जिगर था, दूसरी तरफ फ्रेम में बनी हुई एक तस्वीर थी, दोनों को उसने सीने से लगाया हुआ है, सीने से चिमटा कर मेरे पास आकर कहते हैं कि मेरा ये लगते जिगर मेरे घर के करीब खुले हुए गटर में गिर गया, 2022 की बात कर रहा हूं, तामीर और तरक्की के जमाने की बात कर रहा हूं, उजड़े हुए जंग की दास्तान बयान कर रहा हूं, वो आके कहते हैं कि मेरा मासूम बच्चा गटर में गिरा है। एक शख्स ने अचानक देखा, उसने अंदर हाथ डाले, मुकम्मल डूब चुका था, इसके सर से उसका हाथ लगाए, उसने बालों से पकड़कर इसे बाहर निकाला है, शायद कोई अमल अच्छा था, रब ने मेरे इस लगते जिगर को जिंदगी दे दी, ये बच गया है। मैं आज आपके पास इल्तिमास लेकर आया हूं कि जब कभी अल्लाह आपको नेमत से नवाजता है, मेरी आपसे इल्तिमास है, मेरा ये कटर जरूर बनवाइएगा, और साथ में उसने मुझे फ्रेम शुदा तस्वीर उस लम्हे तक उसने अपने सीने से जुदा नहीं की थी, उस वक्त जब वो ये बात कर रहा था मुझे वो तस्वीर जुदा करके दिखाते हुए कहते हैं तुझे इस तस्वीर का वास्ते है, जानते हो वो तस्वीर किसकी थी, नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं, वो तस्वीर उस मरते हुए की थी जिसने मेरे और आपके हुकूक की जंग लड़ी है, वो तस्वीर उस अजीम इंसान की थी जो अस्मत असहाबे रसूल के लिए कुर्बान हुआ है, वो तस्वीर उस अजीम शख्सियत की थी जिसने अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए जान जाने आखिरी के सपुर्द की है, वो तस्वीर उस अजीम फर्द की थी जिसने जंग के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए सियासत का आगाज किया था, सियासत का आगाज इसलिए नहीं किया था लूट मार मचाई जाए, इसलिए
इसलिए नहीं किया था बेहयाई फैलाई जाए, इसलिए नहीं किया था जाति मफादात को हासिल किया जाए, बल्कि इसलिए किया था कि जंग की आवाम की खिदमत भी करे।